मुख्तार अंसारी का ये बात बता रहे थे शैलेंद्र सिंह। लेकिन बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए बीती रात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की यूपी के बांदा अस्पताल में मौत हो गई। वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार को डॉन की मौत से साजिश की बू आ रही है। मुख्तार अंसारी का बेटा, भाई, वकील सब इस बात का दावा करें कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया और ऐसा जहर जिससे वो तुरंत ना मरे बल्कि धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। मुख्तार की मौत पर जितने मुंह उतनी बातें, कोई उसे स्लो पॉइजन देने का दावा कर रहा है तो कहीं सियासी बयानों में जहर देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच मुख्तार की मौत का सच क्या है? डॉक्टरों की शुरुआती जांच हार्ट अटैक की ओर मौत की वजह का इशारा कर रही है, जबकि मुख्तार का परिवार एक सुर में जहर की साजिश का आरोप लगा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, हत्या हुई। परिवार के सदस्य दावा कर रहे हैं कि मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर के धीमे धीमे मौत की नींद सुलाया गया। मुख्तार अंसारी का परिवार कह रहा है कि मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले खुद कोर्ट में डर जताया था कि जेल में उसे मरवाया जा सकता है। परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जहर वाली साजिश को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी। दावा है कि कोर्ट को लिख कर दिया गया था कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर मिलाया गया है। परिवार ने 19 मार्च की घटना का जिक्र किया। दावा है कि 19 मार्च को जहर दिए जाने की वजह से मुख्तार की तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार 28 मार्च की रात मुख्तार ने दम तोड़ दिया। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिए। मुख्तार का परिवार जिस जहर वाली थ्योरी का दावा कर रहा है, अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक, बड़े बड़े नेता भी मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। मुख्तार अंसारी के परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पहले उसे जेल में जहर दिया गया, फिर परिवार को उससे मिलने नहीं दिया गया और बाद में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे, जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन मुख्तार और उसके गुर्गों के काले कारनामों को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व DGP इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के DGP रहे OP सिंह के मुताबिक, जीते जी मुख्तार ने जेल में जहर देने वाला पैंतरा पहले भी आजमाया था ताकि उसे पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट ना किया जाए। जब मैं DGP था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है,
पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। मुख्तार अंसारी की पहचान एक गैंगस्टर और माफिया डॉन की रही, लेकिन उसका रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से जुड़ा है। वो खुद को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता बताता था। वो मुख्तार अंसारी जिन्हें महात्मा गांधी का बेहद करीबी माना जाता था, जिनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। मुख्तार अंसारी, ऐसा नाम जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोगों की रूह कांप उठती थी। कहा जाता है कि वहां मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी, वो जो चाहे जिसे चाहे और जहां से चाहे चुनाव हरवा या जितवा सकता है। लेकिन ऐसा बदनाम गैंगस्टर खुद को उस शख्स का वंशज बताता था जिसने देश को आजाद करवाने के लिए जमीन आसमान को एक किया ही, मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया। डॉन मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में मुख्तार अहमद अंसारी को अपना दादा बताया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। 1926 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष तक रहे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक बड़े सर्जन भी थे। इसी वजह से देश आजाद होने के बाद उनके सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया। दिल्ली में एम्स जिस अंसारी नगर में है, वो भी उन्हीं के नाम पर बसाया गया है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर ही रखा गया था। रौबदार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पहचान थी, और उनकी तरह दिखने के लिए डॉन मुख्तार अंसारी ने भी बड़ी बड़ी मूछें रख ली। मुख्तार अंसारी भले ही अपना रिश्ता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से बताता था, मगर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, यानी मुख्तार अहमद अंसारी का कोई सीधा कनेक्शन गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से नहीं मिलता। 2021 में मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था, उसमें उसके नाना का भी जिक्र किया गया था। मुख्तार अंसारी ने अपने नाना का नाम मोहम्मद उस्मान बताया था, जो कि सेना में ब्रिगेडियर थे। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी। देश को इस लड़ाई में तो जीत मिली थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। कोर्ट में जमा किए गए इसी हलफनामे में डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते का जिक्र किया था। मुख्तार के परिवार में नाम कमाने वालों की लिस्ट लंबी है। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय थे। मुख्तार के दोनों बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद चुने गए। मुख्तार के दो बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी रहे हैं। आईसीयू से सीसीयू में भर्ती, यानी सीधे सीधे कहा जाए कि जो दिल संबंधी समस्या है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। दरअसल सिलसिलेवार मुख्तार अंसारी का ये पूरा चेकअप जो है, तो बेहोशी के बाद अस्पताल ले जाए गए थे मुख्तार अंसारी। मुख्यालय में मामले को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जो हैं
वो दे दिए गए। सबसे पहले तो अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो उनकी बॉडी है वो उसको कागजी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज की नहीं, इसलिए साइड में कोने में देखिए हमने 26 मार्च की ये तस्वीर भी लिखी हुई है ताकि किसी भी तरह का कोई असमंजस यहाँ पर ना हो। पर ये जो बाकी चार तस्वीरें हैं वो आज की है मुख्तार अंसारी।